दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है RD Education। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं जो कि UPSC की तरफ से है। दोस्तों UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 161 ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कीपर, मास्टर इन केमिस्ट्री, मिनरल ऑफिसर और अदर पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। ये वैकेंसी टोटल 161 पदों पर है। इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप इस वैकेंसी में 28 मई से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है इस वैकेंसी की पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों UPSC ने टोटल 161 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस वैकेंसी में आप 28 मई से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 16 जून 2022 है। चलिए जानते हैं इसकी वैकेंसी की डिटेल। ड्रग इंस्पेक्टर की एक पोस्ट है जिसमें सैलरी आपको पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। एज लिमिट यहां पर 30 साल रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में होम्योपैथी में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर सीधा की। इसकी एक पोस्ट निकली है, सैलरी यहां पर पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। एज लिमिट 30 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीधा में आपके पास में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से अंडर द इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर यूनानी की एक पोस्ट है जिसमें सैलरी आपको पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। एज लिमिट 30 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में यूनानी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर संस्थान से। बात करते हैं असिस्टेंट कीपर की पोस्ट के बारे में, तो इसकी एक पोस्ट निकली है। सैलरी की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहां पर आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट 30 साल यहां पर रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एथोरोपोलॉजी में आपके पास में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। नंबर सेकंड, म्यूसियोलॉजी में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। अब बात करते हैं मास्टर इन केमिस्ट्री की पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पर इसकी एक पोस्ट निकली है। पे स्केल की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट 38 साल यहाँ पर रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो केमिस्ट्री में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर टीचिंग की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास में यहाँ पर 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिस्ट्री से किसी भी स्कूल और इंस्टीट्यूट में। अब बात करते हैं मिनरल ऑफिसर की पोस्ट के बारे में, तो मिनरल ऑफिसर की 20 पोस्ट निकली है और इसमें सैलरी आपको पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 30 साल यहाँ पर रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में आपके पास में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए या फिर माइनिंग इंजीनियर में बैचलर की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास में 2 साल का माइनिंग और कंपिलेशन और प्रोसेसिंग ऑफ डाटा पर्टेनिंग टू माइनिंग, जियोलॉजी, यूटिलाइजेशन और मार्केटिंग मिनरल्स का फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं असिस्टेंट शिपिंग मास्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की, तो इसके लिए 2 पोस्ट यहाँ पर निकली है। इसकी सैलरी की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आपके पास में डिग्री होनी चाहिए और साथ ही 3 साल का आपके पास में एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट मैटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं सीनियर लेक्चरर की पोस्ट के लिए, तो सीनियर लेक्चरर की 2 पोस्ट निकली है जिसमें सैलरी आपको पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। एज लिमिट 40 साल SC कैंडिडेट्स के लिए, 38 साल OBC कैंडिडेट्स के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर टेक्सटाइल केमिस्ट्री में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्सटाइल केमिस्ट्री का। अब बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, तो वाइस प्रिंसिपल की 131 पोस्ट निकली है जिसमें मेल की 45 है और फीमेल की 86 है। सैलरी की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको यहां पर सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में मास्टर की डिग्री या फिर बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास में 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और 3 साल का ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं सीनियर लेक्चरर की पोस्ट के बारे में, तो सीनियर लेक्चरर की एक पोस्ट निकली है।
सैलरी की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 11 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट 55 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नंबर वन तो कैंडिडेट्स स्टेट मेडिकल रजिस्टर और इंडियन मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नंबर सेकेंड MD सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन और MD कम्युनिटी मेडिसिन किया होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का लेक्चरर, रजिस्ट्रार, सीनियर रेजिडेंट, डेमोन्स्ट्रेटर और ट्यूटर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। नंबर वन सिटीजन ऑफ इंडिया, नंबर सेकेंड सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नंबर थर्ड सब्जेक्ट ऑफ भूटान और नंबर फोर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो इस वैकेंसी में ₹25 एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जो कि कैश, नेट बैंकिंग और SBI वीजा कार्ड, मास्टर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। SC, ST, PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। तो दोस्तों एक बार फिर हम आपको बता दें कि UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 161 पदों पर वैकेंसी की अधिसूचना जारी की है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप इस वैकेंसी में 28 मई 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 16 जून 2022 है।